वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कर रहे होंगे। अलहमदिल्ला, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का ब्लॉग शुरू करते हुए साथ साथ रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जी अभी लिए फ्रेश फ्रेश दूध। मेरा दिल कर रहा था मैं एक दो खा लूं, तो मुकद्दस की आज हमने की है फुल तैयारी। तो अभी सो रही है, तो उसको आज वीडियो में आप सब बहन भाई को दिखाएंगे। तो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। सबके बच्चों को सलामत रखे, हमारे उन बच्चों को भी और हमारी इस बच्ची को भी। तो ये कभी ना समझा करें कि ये फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ हम लेके आते हैं सिर्फ हम अपने लिए लाते हैं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि उन बच्चों तक अब मैं हर चीज़ पहुँचा सकती हूँ। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बस आजकल शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं, बस उनको खुश रखे। आपने खाने? नहीं, आप खाओ। मुकद्दस बाहर रो रही है, उठ गई है, जल्दी करो, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, उसको उठाओ। आप चलो, मैं आ गई। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैंने जो है मुकद्दस को नए कपड़े पहना है और माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर पढ़ना है। ये कितने प्यारे लग रहे हैं मुकद्दस को। टोपी पहनी हुई है, हाथों में इसने पहने हुए हैं। आज फुल तैयारी की है मुकद्दस ने। ये देखो हाथों में भी पूरे आए हैं बिल्कुल। जी क्या पहनाया है? ये हाथ वाले होते हैं, चैन खूबसूरत लगते हैं बच्चों। अच्छा, ये मतलब चूड़िया नहीं है? चूड़िया नहीं है, ये इतना टूटेगी ना ये चुभेंगे। अच्छा, वाह जी वाह। कैप भी पहनी हुई है जनाब ने? जी कैप भी पहनी हुई है। सीधी करके सीधा तो करो इसको, ऐसे या उल्टा करो या सीधा करो। ये असल में जो कैप है ना आपने जो पहना है, ये सही है, ये सही है। इस तरह इस इधर करो साबरा। नहीं नहीं ऐसे ये, हाँ बहुत ही प्यारी लग रही है। आप इधर देखो, आप देखो आपकी पिक्चर बनाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, हाँ कहते हैं पिक्चर बन रही है। चलो पिक्चर बन गई। मेरा पुत्र, अरे मेरा सियाना पुत्र, हाँ अरे मेरा मीठा पुत्र। अच्छा माशाल्लाह, थोड़ा कलर तो मुकद्दस का थोड़ा जो है ना चेंज हुआ है, इसकी वजह से सर्दियां बहुत चल रही थी ना। तो देखें साबरा का कलर वाइट है, थोड़ा इसका जो है ना चेंज है कलर, इसका भी हो जाएगा अभी, लेकिन थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी। लेकिन माशाल्लाह फिर भी ये है कि सेहत है, ठीक है ना। चेंज उठा के मुंह में डाल देती है। हाँ तो कहती है नए कपड़े पहने हुए ना मैंने। डम्मू बॉय हेलो सर जी, सर जी क्या हाल है? मुकद्दस क्या हाल है? ऐसे करो ऐसे करो, हाँ उठाओ उठाओ उठाओ। इसे सर्दी बहुत लगती है। अच्छा अभी ये सर्दी की वजह से कर रही है, माने क्या? हाँ कर रही है, सही बात है, सर्दी की वजह से सर्दी लगती है। चल अल्लाह खैर, मैं इसको जो है ना कंबल ओढ़ के रखती हूँ हर रात। नहीं नहीं सही करती हो, अच्छी बात है। अरे मेरा प्यारा पुत्र, सब प्यारे पुत्र हैं, सब बच्चों का नाम लिया करो, सिर्फ इसके एक का नाम ना लिया करो। फिर उनके दिल को, मेरी बात सुनो, उनके दिल को फिर दुख होगा, समझा करो बात को। उनकी बात देखो, अलहदा इसकी बात ना किया करो, इसके प्यार की बात ना किया करो। आज दिन को भी वीडियो आपने जो बनाई है शॉपिंग वाली, मैं कह रहा था कि आपने हक बनता था, आपने उन बच्चों की बात करनी थी, ठीक है। मैंने उनकी ऑलरेडी पहले शॉपिंग करके उनको दिलवाई है, फिर मैंने इसके लिए है। वही बात है, तो अक्सर बहन भाई ये क्वेश्चन कर, बहुत खुश हूँ कि जो कपड़े मैंने उनको बनवा के भेजे हैं उनको इतने पसंद आए ना, फ्रॉक मैंने बनवा के भेजे हैं, वो शादी पे पहनेंगे आप देखना, हाँ लगेगी इंशाल्लाह। सही बात है। और इसके भी ये तो अभी छोटी है ना, तो फिर इसके सिले सिलाए ले आती हूँ। सही, तो आज पहली शॉपिंग मुकद्दस की ये, हालांकि पहले जो की थी वो तो सर्दी वाले थे। वो कलर बता सकती हो फ्राकों का? नहीं नहीं अब बता नहीं सकती, जो बरात वाले दिन वो पहनेंगे ना वो ही मेरे जो मैंने सिलवा के दिए वही होंगे। अच्छा चलो ठीक है, चले जी वो खुश रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बात ये हो रही है, हमारी पहली प्रेफरेंस वो बच्चे हैं, दूसरी ये है, ठीक है ना। ये तो क्योंकि देखिए ये घर में रहती है, ठीक है, साफ बात है। अब हमारी ये भी औलाद है, ठीक है ना, साबरा की वो भी औलाद है, तो साफ बात है, बात जो है ना
तो उनकी भी साथ चलेगी। ये तो आप कोई नहीं कह सकता कि बच्चों की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस बात को वो भी आई थिंक टाइम आने पे अंडरस्टैंड कर लेंगे इंशाल्लाह, वक्त जब आएगा तो सबको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड ये बात हो जाएगी कि कुछ फैसले जो है ना रब तआला की तरफ से होते हैं, जो बस हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। चलें अल्लाह चलिए खैर बस करे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपनी सही शरीर है, सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपको पता ना कि माशाल्लाह मुकद्दस कैसी लग रही है। हाँ और टोपी सीधी करो, नहीं ऐसे सही, इसकी गंजी लग रही है, गंजी। इसकी आंखों के आगे आती फिर होती है। अच्छा, हाँ तो इंशाल्लाह अल्लाह तआला आप सब बहन भाइयों के बच्चों को भी सलामत रखे, और मेरे आमीन तमाम तीनों वो बच्चे और इसको सबको सलामत रखे आपने। आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। यहाँ पे एक आखिरी बात जरूर करना चाहूंगी, कॉमर्स की बात आप कर रहे थे, मैंने कॉमर्स कल पढ़े हैं कि सब यही कह रहे थे कि मुकद्दस को आप अच्छे से पाल रहे हो क्योंकि आप इनका भी ख्याल रखते हो, मैं भी रखती हूँ। तो उन बच्चों का कोई हाल नहीं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं, उन बच्चों को इससे भी ज्यादा मैंने दिल से पाला है। तो देखिए बच्चे जो भी पैदा होते ना, नहीं हाँ ये आपकी वो है कि शायद हो सकता है आपकी बात कर रहे हो, अब की बात भी अलग है, लेकिन ये है कि उस टाइम में जो है ना मुश्किल हालात चैनल थे वगैरह नहीं थे, बिल्कुल, पूरा दिन रोजी रोटी और कैसे साबरा को कमाते। सपोर्ट भी किसी की नहीं थी ना, इसने तो हाँ खुद अकेले पाला देखे इन्होंने मेहनत बच्चों को। करके उन बच्चों को पाला है। तो आप खुद सोचे कि उस वक्त के वक्त में और आज के वक्त में दे आर बिग डिफरेंस, ठीक है ना। अब ये मेरी लाइफ में है, ठीक है, तो इस वजह से देखे आप मेरी लाइफ पार्टनर है, उस वक्त की और बात थी, अब की और बात है, तो इस वजह से लाइफ में चेंजिंग आती है। हालांकि मैंने जितनी तवज्जो, देख मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह ताला को सच पता है इस बात का, ठीक है ना, मैं बंदों को कोई सफाई नहीं दे रहा, ये बात हकीकत है। मैंने अपने घर को इतनी तवज्जो नहीं दी जितने घर वालों को दी है, ठीक बिल्कुल है, जितनी साबरा की केयर पे दी है, जितनी अपनी बेटी की केयर पे, अम्मी अबू की केयर पे दे रहा हूँ। मैंने कोई ज़्यादा फैशन लेवल लाइफ को गुजारने का नहीं सोचा, मैं सिर्फ चाहता हूँ इनकी सेहत, इनकी छोटी छोटी खुशियाँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। वरना हम आज हमारा नया घर होता, उसके लिए भी, घर के लिए भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहन भाइयों से अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या रीज़न और क्या वजूहत है जिसकी वजह से हम घर नहीं बनवा सके अभी तक। वो कहते हैं ऐसे करे मुझे उठा नहीं रहे। चलें हाँ बात कर रही है ना, चलें, जी अपना ढेर सारा ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जल्दी चला टेक हाफिज। केयर जी, दुआओं में याद रखना है, हम सब, हम मुकद्दस दोनों की कलाम दुआएं भी आपके करेगी, लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।